मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी की 15,72,00,000 रुपए की राशि। गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5,60,00,000 रुपए की राशि, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 9,69,00,000 रुपए की राशि जारी की। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब तक 541,66,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की देश भर में सराहना हो रही है, कई राज्य गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं लागू भी कर रहे हैं। नमस्कार सर, आज के 73वें किस्त वितरण कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से होगी। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, गौवंश का बढ़ाया मान एवं संग्राहकों का हो रहा आर्थिक उत्थान, लाभांश वितरण एवं गोबर खरीदी भुगतान 5 अगस्त 2023, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 14 से 31 जुलाई 2023 तक का भुगतान, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों के लिए 9,69,00,000 रुपए जारी एवं 71,127 गोबर संग्राहकों को 5,60,00,000 रुपए के साथ 41,812 स्वावलंबी गौठान समिति सदस्यों को 2,21,00,000 रुपए जारी। छत्तीसगढ़ की समृद्धशाली विरासत को सहेज कर हो रहा समग्र विकास। इस अवसर पर उपस्थित माननीय कृषि मंत्री जी को मैं स्वागत के लिए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी, हमारे अधिकारीगण, एपीसी, एसीएस और हमारे सभी अधिकारीगण, संचालक, सचिव और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभी खेती किसानी का दिन चालू है और सभी किसान इसमें व्यस्त हैं। इस साल मानसून काफ़ी विलंब से आया है, फिर भी बोने का काम लगभग पूरा हो गया है और हमारे किसान लगातार प्रचार के कारण कृषि विभाग से जानकारियां लेते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। इस साल खरीफ के लिए 48,20,000 हेक्टेयर का जो लक्ष्य रखा गया है उसके विरुद्ध में लगभग 38,00,000 हेक्टेयर में बोनी का काम हो गया है और अभी बियासी का काम भी चालू हो गया है और रोपाई का काम भी लगातार चल रहा है। आने वाले समय में और बेहतर उत्पादन करेंगे ऐसा विश्वास हम लोग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, धान का बोनस, इसके कारण किसानों में काफ़ी जागृति है और लगातार चाहे वो उद्यानिकी के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, किसानों को लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है और वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप जो जानकारी दी गई, प्रेजेंटेशन दिया गया,
आज अवसर है गोधन न्याय योजना के राशि वितरण का और इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई प्रदीप जी, एसीएस सुब्रत जी, एपीसी कमलप्रीत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण उपस्थित सबो किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी हरेली त्यौहार के दिन, और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके अपने यहाँ भी इस तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से हम गोबर खरीद कर न केवल वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करने, प्राकृतिक पेंट बनाने, तरह तरह की सामग्री बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्यों को सफलता के साथ साधा गया है। इन्हीं में से एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का भी है। गोधन न्याय योजना ने स्व सहायता समूहों की हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वे लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। गोबर विक्रेताओं और गोठान समितियों ने भी इस योजना के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाइयों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों, गोठान समितियों को कुल 15,29,00,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। आज भुगतान की जा रही राशि में गोबर विक्रेताओं को 73वीं किस्त के रूप में 5,60,00,000 रुपये अंतरित किए गए। स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 3,99,00,000 रुपये तथा गौठान समितियों को 5,70,00,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से लेकर आज तक सभी लाभार्थियों को सब मिलाकर 541,29,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कुल निर्मित 10,278 गौठानों में से 5,985 गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं।